दोस्तों, हम कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर या फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं है। इस वीडियो को देखने से पहले आपको बता दें कि इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी इंटरनेट के थ्रू ली गई है और ये सारी की सारी हमारी पर्सनल रिसर्च स्टडी है। इस वीडियो में स्पॉन्सर कंटेंट भी हो सकता है, तो जो भी आप इन्वेस्टमेंट करें उससे पहले आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप अपनी तरफ से भी सारी स्टडी और रिसर्च को कर लीजिए, उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट करें। इस वीडियो को देखने के बाद आपके द्वारा की गई कोई भी इन्वेस्टमेंट, लीगल इंजरी या फिर ट्रेडिंग के प्रॉफिट या लॉस दोनों की हमारी कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस और एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाया गया है। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांसा, सभी का स्वागत करता हूं ट्वेल्व के बिल्कुल फ्रेश वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं S2FX मॉडल के बारे में। यस दोस्तों, और जो थंबनेल पे मैंने आपको प्राइस बताया है $288,000 का, वो आखिरकार बिटकॉइन इस हल्विंग के बाद जो एक नया ऑल टाइम हाई आएगा वहाँ पे क्यों टच कर सकता है, सारे प्रूफ्स के साथ आपको इस वीडियो में यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। लेकिन मैं इस चीज़ से पहले ही बता दूँ कि ये जो प्राइस है मेरी प्रिडिक्शन नहीं है और ना ही मैं यहाँ पे कोई गारंटी दे रहा हूँ कि ये प्राइस यहाँ पे हो जाएगा। हम जिस मॉडल के बारे में यहाँ पे बात करें जो कि S2FX मॉडल है, ये एक्चुअल में अपग्रेडेड वर्जन है S2F मॉडल का, जो कि स्टॉक टू फ्लो मॉडल था। उसी की जो ऑथर है उन्होंने एक पूरा की पूरा नया प्रेजेंटेशन तैयार कराया और उसमें कुछ चेंजेस करके हमें चीज़ें बताई हैं। तो उसके बेसिस पे जो प्राइस निकल के आ रहा है वो $288,000 के आसपास आ रहा है कि अगले ऑल टाइम हाई जो बिटकॉइन का लगेगा वो लगभग इस वैल्यू के आसपास यहाँ पे लगने वाला है। तो सारी चीज़ें मैं आपको उसी चार्ट पे लेके दिखाता हूँ कि आखिरकार वो क्या है, क्या चीज़ें हैं और क्यों यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि बिटकॉइन $288,000 को यहाँ जाके टच कर सकता है। तो वीडियो को शुरू से आगे पूरा जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से आपको वापस से अलर्ट करना चाहूँगा कि टेक्निकल एनालिसिस कोर्स के ऊपर 20% का डिस्काउंट है 3 मई 2020 तक। अगर अभी तक आपने इसको परचेस नहीं करा है, आप सोच रहे हैं क्योंकि इसके ऊपर EMI भी अवेलेबल है, तो आप डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हैं मेरी इस मेल आई डी pixelsnapshot@gmail.com के ऊपर, या फिर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरी टेलीग्राम आई डी @cryptowell के ऊपर। इन दोनों के अलावा मेरा कोई और एड्रेस नहीं है। और अगर आप अपने सिग्नल ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, मेल या टेलीग्राम, आप कुछ भी यहाँ पे कर सकते हैं। तो ले चलता हूँ, आपको चार्ट पे दिखाता हूँ वहाँ पर सारी चीज़ें कि हमारे पास ये क्या पोस्ट है एंड आखिरकार ये प्राइस किस तरीके से वहाँ पे पहुँचने वाला है। तो इसको दोस्तों, S2FX को चालू करने से पहले मैं आपको S2F यानी कि स्टॉक टू फ्लो रेशो क्या होता है उसकी एक बेसिक जानकारी यहाँ पे दे देता हूँ। तो बेसिकली स्टॉक टू फ्लो रेशो और स्कैरसिटी जो है वो यहाँ पे साथ में रहती है। अगर इस चीज़ को हम लोग डेफिनेशन के तौर पर यहाँ पे बात करें तो इसका मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को फाइंड करना या फिर किसी भी चीज़ को लैक हो जाना यानी कि उसकी कमी हो जाना। यहीं पे अगर स्टॉक टू फ्लो की हम लोग बात करते हैं तो स्टॉक टू फ्लो रेशो आपको बहुत सारी चीजों का देखने को मिल सकता है, फिर चाहे वो गोल्ड हो, प्लैटिनम हो, सिल्वर हो, और यहां पे बिटकॉइन का भी S2F यानी कि स्टॉक टू फ्लो रेशो है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो बहुत ज्यादा सिंपल होता है। S2F का फॉर्मूला है स्टॉक डिवाइडेड बाय फ्लो। स्टॉक का मतलब होता है कि आपके रिजर्व में कितना पड़ा यानी कि अभी तक आपके पास कितनी सप्लाई आ चुकी है, एंड फ्लो का ये आने के मतलब होता है कि साल भर में और कितनी सप्लाई यहां पे आने वाली है। तो यहां पे अगर आप चीजों को देखें, यहां पर एक इमेज है, आई होप आपको क्लियरली बड़ी ये दिख जाए, सो आई होप आपको प्रॉपरली दिख रही हो। तो आप देखेंगे कि गोल्ड की अगर बात करें तो गोल्ड में 185,000 टन गोल्ड हमारे पास अवेलेबल है, जिसका साल भर का जो फ्लो है वो है 3,000 टन यानी कि साल भर में 3,000 टन सोना यहाँ पे प्रोड्यूस होता है। तो अगर आप यहाँ पर इस चीज़ को डिवाइड कर देते हो यानी कि आप साल भर को 85,000 को डिवाइड कर देते हो 3,000 से, तो लगभग यहाँ पे जो S2F यानी जो स्टॉक टू फ्लो रेशो निकल के आता है वो निकल के आता है 61.6। ये थोड़ा अप डाउन हो सकता है तो इसको यहाँ पे टोटल 62 लिया है। वैसे सिल्वर की बात करें तो 5,50,000 उसका आता है, साल भर का जो उसका फ्लो है वो 25,000 टन के आसपास का है, और यहाँ पर उसका जो S2F है वो 22 है। वैसे पैडिनियम है, प्लेटिनियम है, जो कि चीज़ों को आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। अब यहाँ पे जो गोल्ड का है वो है 62 जो कि हमें रिमेंबर रखना है, सिल्वर का है 22 एंड इसी की तर्ज पे यहाँ पर बिटकॉइन का भी S2F मॉडल निकलता है। अगर आप यहाँ देखोगे तो बिटकॉइन एक इन्फ्लेशनरी एसेट है यानी कि उसका इन्फ्लेशन टाइम टू टाइम खत्म होता जाएगा और एक टाइम पे उसका इन्फ्लेशन यहाँ पे जीरो भी होने वाला है। S2F मॉडल अगर अभी तक आपने नहीं देखा तो ये जो मॉडल है ये एक S2F मॉडल है जो कि आपको देखने को मिलेगा, जिसमें कि आप ये बड़े बड़े जो डॉट्स देख पा रहे हो यहाँ पे गोल्ड, सिल्वर एंड बाकी अदर चीज़ें भी यहाँ पे दी हैं। ये पुरानी है, इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई थी, अगर आपने नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में देता हूँ, जाइए जाके देखिए कि S2F मॉडल क्या है और क्यों उसके तरीके से अगर प्राइस चलता है तो एक बहुत अच्छे गेंस हमें यहाँ पे मिल सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों इनके आज के आर्टिकल के ऊपर जो कि इन्होंने अभी रिलीज़ करा था यहाँ पे 27 अप्रैल को, ऑलमोस्ट एक दिन पहले करा है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी कि जो ओरिजिनल बिटकॉइन का S2F मॉडल था उसके वो बेसिकली एक फॉर्मूला डिवाइन मॉडल था और वो एक टाइम के बेसिस पे यहाँ पे चलता था। अब जो इन्होंने यहाँ पर एक नया मॉडल लेकर आए हैं, फिलहाल में ये आप देख लो, ये जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ये पुराना हमारा मॉडल है, जिसमें जो आपको बीच वाला जो पोर्शन दिख रहा है
ये एक्चुअली में टाइम बेस्ड H2F है, जहाँ पे कि हालविंग आती है तो एकदम स्ट्रेट होता है। एंड जो ये रेड डॉट्स आ रहे हैं, ये एक्चुअली में प्राइस है बिटकॉइन का जो कि वहाँ पे मूव कर रहा है। यहाँ पे इन्होंने बताया कि इसके अंदर से ये जो अभी मॉडल हमने देखा, इसके अंदर से इन्होंने रिमूव कर दिया है टाइम को और इन्होंने ऐड कर दिया है सिल्वर गोल्ड के मॉडल को, जो कि अभी हमने स्टार्टिंग में डिस्कस करा। तो इस मॉडल का नाम इन्होंने रखा है H2FX, यानी कि थोड़ा एडवांस वर्जन है H2F का। यहाँ पर इन्होंने ये चीज़ डिस्क्राइब करी है कि जो बिटकॉइन है उसका भी एक खुद का H2F मॉडल है, और यहाँ पर अब इसको अगर नए H2FX मॉडल के थ्रू देखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस पूरे आर्टिकल में दो चीज़ें आएंगी कि आखिरकार ये H2FX जो मॉडल है इंपॉर्टेंट क्यों है, किस तरह, और दूसरे में आएगा कि किस तरीके से यहाँ पे काम करने वाला है। तो सबसे पहले अगर बात करें कि इंपॉर्टेंट क्यों है, तो यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं, वो है फेस ट्रांजेक्शन। फेस ट्रांजेक्शन यानी कि किस तरीके से एक ही एसेट के अलग अलग फेजेस यहाँ पे होते हैं, जैसे वाटर है, US डॉलर है, BTC है। तो इन्होंने बताया कि जो वाटर है पहले वो सॉलिड था, फिर लिक्विड था, फिर गैस था, फिर आयनोइज था, यानी कि उसके चार पार्ट्स थे। डॉलर की अगर बात करें तो पहले वहाँ पे गोल्ड के सिक्के चला करते थे, फिर गोल्ड बैकअप नोट्स आ गए, फिर नोट के पास सीधे जो नोट है उनका बैकअप हटा दिया गया और डायरेक्टली अब फिएट मनी वहाँ पे चलती है। उसी तरीके से जो बिटकॉइन है इसके पास भी अलग अलग अपने फाइनेंशियल माइलस्टोन के हिसाब से यहाँ पर अलग अलग फेजेस हैं। पहला जो फेज़ है वो है प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट का, जो कि वाइट पेपर लिखते टाइम आया था। फिर पेमेंट का आया जब बिटकॉइन $1 के आसपास का हुआ। ई गोल्ड आया जब बिटकॉइन के अंदर आपको ज़्यादा बाउंस देखने को मिला गोल्ड जैसा। और अभी का जो यहाँ पे चल रहा है, जब बिटकॉइन ने 1 बिलियन ट्रांजेक्शन यहाँ पे कंप्लीट करे थे सेकेंड हल्विंग के आसपास या उसके बाद में, तो वहाँ पर उसको एज अ फाइनेंशियल एसेट भी माना जाता है। यानी कि टोटल चार तरीके से बिटकॉइन को यहाँ पे देखा जा रहा है। अब ये जो दोस्तों मॉडल है H2FX, ये आप देख सकते हो इस इमेज के अंदर कि ये जो हमारा मॉडल है ये है H2FX का मॉडल। और यहां पर जो आपको ब्लू दिख रहा है ये एक्चुअली में क्लस्टर्स हैं, यानी कि कब किस टाइम पे, ये जो हम लोगों ने बात करी है यहां पे चार पार्ट्स की, ये चारों पार्ट्स को इसके अंदर क्लियरली यहां पे मेंशन करा गया है। अगर आपको और क्लियर देखना है तो आप ये वाला चार्ट देखो, जहाँ पे कि सबसे नीचे ब्लू वॉलेट कलर की डॉट्स हैं जो कि बिटकॉइन का मंथली डेटा है। फिर यहाँ पर एक आपको येलो कलर की डॉट दिखेगी, येलो या ग्रीन, तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि BTC प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट था। फिर सेकंड क्लस्टर के अंदर आपको ग्रीन कलर मिलेगा, जहाँ पे कि आप देख सकते हो पेमेंट है। उसके बाद आपको यहाँ पर थोड़ा ऑरेंज कलर मिलेगा जो कि ई गोल्ड है, कलर में मत जाना। और उसके बाद यहाँ पर एक रेड कलर है जो कि फाइनेंशियल असेट, यानी कि जब जब कोई भी चीज़ में चेंजेस हुए हैं तो वहाँ पर एक क्लस्टर बना है। अब इसी क्लस्टर को इन्होंने यूज़ करा है और यहाँ पर बताया कि जैसे प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट बना था तो उस टाइम जो इसका H2F मॉडल था 1.3 था, पेमेंट है तो 3.3 था, ई गोल्ड था तो 10.2 था, फाइनेंशियल असेट हुआ तो 25.1 था। और इसके साथ इसकी वैल्यूएशन भी लिखी है, यानी कि चारों के अलग अलग H2F मॉडल्स यहाँ पे निकाले गए हैं। वैसे यहाँ पे बात करें तो जो बिटकॉइन का क्लस्टर है वो डिफरेंट असेट से मिलके बना है, और अगर हम इसमें गोल्ड और सिल्वर को ऐड कर दें, यानी कि ये जो चीज मैंने आपको चार्ट दिखाया था, अगर आप इस चीज में अंदर गोल्ड और सिल्वर को भी इंटीग्रेट कर देते हो इसके साथ में, तो आपको ये चीज देखने को मिलेगी कि गोल्ड और सिल्वर के भी यहां पर आपके साथ क्लस्टर्स आगे चल के बनने वाले हैं। तो यहां पर इन्होंने वही चीज बताई कि जो H2F मॉडल है वो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है और बहुत ज्यादा रिलेशन यहां पर रखता है इन 6 डिजिट्स के हिसाब से। तो अब यहां पर बात आती है कि आखिरकार इसका फॉर्मूला क्या है। जैसे कि हम लोगों ने यहां पर बात करी थी इसके फॉर्मूला के बारे में, जो कि स्टॉक टू फ्लो का था, वो बहुत ज्यादा सिंपल था, उसी की तर्ज पर इसका भी फॉर्मूला यहां पर बनाया गया। पर उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि H2F क्या होता है। तो अगर आप इन सारी वैल्यूज़ को जोड़ दोगे तो आपको यहाँ पे जो H2F मिलेगा बिटकॉइन का, वो लगभग यहाँ पे मिलेगा 56, यानी कि बिटकॉइन का जो H2F है वो है 56 का, और यहाँ पे जो गोल्ड का H2F है वो है यहाँ पे 62 का, यानी कि बहुत हद तक पास पास में। और ये H2F यहाँ पे कम भी हो सकता है बिटकॉइन का, क्योंकि बिटकॉइन की जो ईयरली सप्लाई वो थोड़ी सी कम ज़्यादा यहाँ पे हो सकती है। तो इसका फॉर्मूला कि अगर आपको मार्केट वैल्यू इसके निकालनी है तो आप एक्सप्रेशन के अंदर 12.75 डालिए, उसको 56 से डिवाइड मल्टीप्लाई करें, फिर डिवाइड करें 4 से, तो यहाँ पर आपको 5.5 ट्रिलियन यहाँ पे आपके सामने आएगा कि जो अगला यहाँ पे आने वाला है वो आएगा 5.5 ट्रिलियन का मार्केट कैप। अब इसी चीज़ को अगर आप डिवाइड कर लेते हो, जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी एक बार वीडियो में बताया था कि अगर आप 5 को यहाँ पे जो 5.5 ट्रिलियन आपके सामने यहाँ पे आ रहा है, अगर आप इसको यहाँ पे डिवाइड कर देते हो आपकी टोटल जो ईयरली प्रोडक्शन या जो भी आपका रिजर्व रखा है, जैसे कि अगर बात करें तो 19 मिलियन का हमारे पास रिजर्व है बिटकॉइन के अंदर, तो इसको आप डिवाइड करते हो तो जो प्राइस है वो 2,89,000 के आसपास, यानी कि 2,88,000 के आसपास यहाँ पे आ रहा है। ये थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है क्योंकि जो क्वांटिटी है वो थोड़ा अप डाउन हो सकती है, लेकिन यहाँ पर एक H2F मॉडल है जिसके थ्रू ये चीज़ निकल के आ रही है कि बिटकॉइन का मार्केट कैप अगले बुल रन में या फिर अगले ऑल टाइम हाई में 5.5 ट्रिलियन तक होगा। और अगर उस 5.5 ट्रिलियन को हम लोग उस टाइम की सर्कुलेटिंग सप्लाई से डिवाइड करेंगे तो जो प्राइस आएगा 2024 के बीच में वो 2,88,000 के बीच में यहाँ पे होने वाला है। तो आई होप आपको ये पूरी तरीके से समझ आ गया होगा किस तरीके से नया जो हमारे पास एक मॉडल है जिसका नाम H2FX है वो यहाँ पे काम करता है। इसका नाम FX इसलिए रखा गया है क्योंकि
इसमें गोल्ड और सिल्वर को इंक्लूड करा गया है। तो अगर आप इसको कंक्लूजन में पढ़ना चाहो तो इस पूरे आर्टिकल में यही था कि यहाँ पे S2F मॉडल में से टाइम को हटा के यहाँ पे एसेट्स को इंक्लूड कर दिया गया है और S2F का जो मॉडल है उसकी वैल्यूएशन गोल्ड सिल्वर और BTC को एक फॉर्मूला में करके करी गई है। यहाँ पे जो S2F मॉडल है वो परसेंटेज वाइज बहुत ज़्यादा फिट है, तो 99.7% आपके इसके डेटा पे रिलाई कर सकते हो। और यहाँ पे जो मॉडल होगा ये हमें बताएगा कि बिटकॉइन का जो प्राइस है वो 5.5 ट्रिलियन इसका मार्केट कैप होगा, जिसके थ्रू अगर 2024 में इसकी सप्लाई 19 बिलियन होती है तो $288,000 बिटकॉइन का प्राइस यहाँ पे होने वाला है। तो यही था दोस्तों ये सारी चीज़ें। अगर आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में इन दोनों की वो दे दूंगा लिंक्स, आप जाके आप इस आर्टिकल को पढ़ सकते हो या फिर डायरेक्टली ट्विटर पे जाके प्लान बी को फॉलो कर सकते हो, ये इनका यहाँ पर है और आप वहाँ जाके भी इनको फॉलो करके सारी चीज़ों के अपडेट्स वहाँ पे ले सकते हो। सो आई होप दिस वीडियो सभी को पसंद आया होगी। आई नो कि थोड़ा टेक्निकल टर्म्स ज़्यादा हो गए हैं लेकिन आई होप आपको प्रॉपर्ली समझ आई हो। फिर भी कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, जाके कमेंट कर दीजिए ताकि मैं आपके डाउट्स वहाँ पे क्लियर कर दूंगा, नहीं तो फिर हम संडे लाइव में मिलेंगे और वहाँ पे बाकी के डाउट्स आपके क्लियर यहाँ पे हो जाएंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अगर पसंद हो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों वीडियो पसंद आए तो डिसलाइक करिए, दोस्तों चैनल फर्स्ट टाइम आए तो दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आप इसी तरह का इंटरेस्ट यहाँ पे पा सकें एंड पूरे मार्केट से यहाँ पे अपडेटेड रह सके। तो मिलता है आपसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।